नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने इस YouTube चैनल जीवन जीने की कला में। दोस्तों, याद कीजिए वो बचपन का दिन जब हमारी उंगली में चोट लग जाती थी या फिर उंगली कहीं से थोड़ी सी कट जाती थी, फटाफट हम उंगली को मुख में रख लेते थे। कभी सोचा है आपने कि ऐसा हम क्यों करते थे? क्योंकि ये बहुत नेचुरल है और इससे होता क्या था, हमारी उंगली का दर्द चला जाता था, साथ ही साथ घाव जल्दी भर जाता था, ब्लड रुक जाता था बहना। तो क्यों ऐसा होता था? और जैसे जैसे हम बड़े होते गए, इन चीज़ों को छोड़ते गए। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड में अब बहुत सी चीज़ें चलती हैं सेफ्टी को लेकर के, कि हमारा शरीर साफ नहीं होगा तो बैक्टीरिया अंदर चले जाएंगे जिससे हम बीमार हो जाएंगे, या फिर बहुत सी चीज़ें हैं, स्टेटस से कई बार जुड़ जाती हैं चीज़ें, तो कई बार कुछ और रीजन्स हो जाते हैं। हम ऐसा कह भी नहीं रहे हैं कि डायरेक्ट हमें यही करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि हाथ से हमने किसी ऐसे चीज़ को टच किया हो जिसकी वजह से हमारा शरीर इन्फेक्टेड हो जाए। लेकिन हमारा कहने का पर्पस ये है, उद्देश्य ये है कि उस स्लाइवा से, यानी कि हमारे बासी मुख की जो लार होती है, उससे कितना ज़्यादा फायदा होता था, इसका प्रैक्टिकल हमने देखा। इसका एक और बहुत बड़ा प्रैक्टिकल है, वो आप सभी ने देखा होगा। जीव जंतुओं को, जानवरों को जब भी शरीर पर चोट लगती है, घाव लगता है, खास करके आपने कुत्ता वगैरह को भी देखा होगा या फिर किसी भी जंतु को, कि जब उनके शरीर पर चोट लग जाती है और घाव ठीक नहीं होता है तो वो क्या करते हैं, उसे चाटते हैं जीभ से। कभी सोचा है आपने ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि प्राकृतिक तरीका है ये घाव को ठीक करने का, क्योंकि हमारे सलाइवा में एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं, साथ ही साथ पेन किलर गुण पाए जाते हैं, यानी कि दर्द निवारक गुण भी होता है। और इसीलिए जब भी हम उंगली कट जाए तो उसे मुख में रखते हैं, या फिर जो जंतु होते हैं, जानवर होते हैं, वो जीभ से चाटते हैं तो उनका घाव जल्दी रिकवर हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो इस वीडियो में इसी की उपयोगिता को समझेंगे कि हम कुछ बीमारियों को कैसे दूर करेंगे, साथ ही साथ हम सभी समझेंगे कि सुबह सुबह एक ग्लास गुनगुना पानी क्यों पीना है, सुबह क्यों पीना है, बासी मुंह क्यों पीना है। इसी के लिए हमने आपको सलाइवा के बारे में बताया, लार के बारे में बताया कि ये इतना फायदेमंद है। जब ये बाहर के जख्म को ठीक कर सकता है, घाव को ठीक करेगा, तो वो इंटरनली भी सफाई करता है, इससे ये हम सभी समझ सकते हैं। तो इसीलिए हमें सुबह गुनगुना पानी पीना चाहिए। क्या फायदे होंगे ये भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले लार के उपयोग से कुछ बीमारियों को दूर करने के बारे में जानते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि किसी के फेस पर पिंपल्स हैं, तो उनको बस कहिए कि आप अपने मुंह का जो सलाइवा है, लार है, उसको लगा लीजिए फेस पर। जी हाँ, जहाँ भी पिंपल्स है वहाँ पर लगा लीजिए, या फिर स्किन पर फंगल की समस्या है, या फिर आपके स्किन पर दाद की समस्या है, खाज है, खुजली है, आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने सलाइवा को, यानी कि लार को, जिसे थूक भी आप कहते हैं, इसको लेकर के वहाँ पर लगाना है। लेकिन ध्यान रखना है इसमें एक बात का विशेष रूप से, कि सुबह सुबह खाली पेट और बासी मुंह, यानी कि सुबह जगने के बाद कुछ भी खाया पिया हुआ ना हो, यानी कि पानी भी नहीं पीना है, ना ही कुल्ला करना है, जो पहला लार है, सलाइवा है, उसको आपको लगाना है। सुबह सुबह 100% आपको लाभ मिलेगा। आपके पिंपल्स की समस्या हो, आपके फेस पर कहीं भी दाग धब्बे हो, या फिर आपको फंगल इन्फेक्शन हो, या फिर किसी भी प्रकार का दाद खाज खुजली हो, वो जड़ से समाप्त हो जाएगी। अब एक और बड़ी समस्या होती है, आंखों के नीचे काले घेरे होना। तो अगर किसी को भी आंखों के नीचे काले घेरे हैं और समाप्त नहीं हो रहे हैं, तो बस सुबह सुबह जगने के बाद तरीका सेम है, बस इसमें थोड़ा सा कुछ चीज़ें ऐड होती हैं। क्या करना है आपको, जो मुख का सलाइवा लेना है, उससे 2 मिनट तक मसाज करनी है आपको। आंखों की जो काले घेरे वाला पार्ट है, उसको पूरे को हल्की उंगलियों से मसाज कीजिए, ताकि वहां पर ब्लड सर्कुलेशन आपका बेहतर हो जाए। ऐसा आपको 2 महीने तक लगातार करना है, ध्यान रखिएगा, लगातार करना है। 2 महीने तक अगर ऐसा आपने कर लिया, आपके आंखों के नीचे काले घेरे जो हैं वो जड़ से समाप्त हो जाने हैं, आपको काले घेरे के नामो निशान नहीं मिलेंगे। लेकिन होता क्या है, हम सभी डॉक्टर के पास जाएंगे, वो औषधियां दवाइयां दे देंगे, औषधियां तो नहीं लेकिन दवाइयां दे देंगे, उस पर ट्रस्ट हमें बहुत जल्दी हो जाता है, वैज्ञानिक तरीका हमें लगता है, और सबसे बड़ी बात लगती है कि इजीली मिल जाता है, हमें जाते हैं दुकान से मिल जाता है और इस्तेमाल करते हैं। पर कभी सोचा है आपने, आपको 100% उसका लाभ मिलने की जगह पर कुछ शरीर को नुकसान भी होता है, कुछ उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं और उस पे लिखा हुआ होता है, लेकिन इन चीजों का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। जब भी आयुर्वेदिक औषधि आप इस्तेमाल करते हैं तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। इसीलिए आयुर्वेद में अलग अलग जगह पर बहुत बार लिखा गया है
किसी भी औषधि को सुबह सुबह खाली पेट सेवन कीजिए। क्यों ऐसा कहा गया है? क्योंकि कमाल की होती ही है। मान लीजिए हम सुबह सुबह मंदिर जाते हैं और वहां पर आपको चरणामृत मिलता है। चरणामृत जो होता है तो हम जब ब्रश करके जाते हैं तो जितना लाभ नहीं मिल पाएगा उससे कई गुना ज्यादा ब्रश किए बगैर अगर आप वो प्रसाद लेते हैं तो लाभ मिलेगा, बल्कि 10 गुना ज्यादा उसका गुण बढ़ जाता है। क्योंकि कॉपर के बर्तन में आपको चरणामृत रखा हुआ मिलता है और उसमें ऊपर से डली हुई होती है तुलसी जी का पत्ता डाला हुआ होता है और जब वो आप पीते हैं तो आपके लिए अमृत के समान कार्य करता है। सुबह सुबह अगर खाली पेट और बासी मुंह, जी हाँ, बिना कुछ खाए पिए अगर सुबह सुबह चरणामृत लेते हैं तो आपके लिए बिल्कुल अमृत की तरह से कार्य करता है। या फिर उसमें मिश्री मिलती है, या फिर सुबह सुबह आपको कोई भी चीज, जिस भी औषधि का गुण बढ़ाना हो उसको सुबह सुबह खाली पेट लीजिए, आपको देखिए कमाल का फायदा मिलेगा। लेकिन कुछ औषधियां हैं जिनको सुबह सुबह खाली पेट सेवन नहीं करना चाहिए, वो हमने बताया हुआ है अलग अलग एपिसोड में। जैसे कि चाय तो आपको कभी भी सुबह खाली पेट नहीं पीना चाहिए, नहीं तो नुकसान ही होता है। क्या पीना चाहिए? गुनगुना पानी पीना चाहिए। क्यों ऐसा कह रहे हैं, आइए अब इसे भी समझ लेते हैं। वैसे तो आपके सलाइवा के बारे में बात कर रहे थे तो कुछ चीज और जान लीजिए। अगर मान लीजिए मोतियाबिंद की समस्या है या आंखों की रोशनी धुंधली पड़ रही है या फिर आपको फोन, टैबलेट्स, मोबाइल देख करके आंखों पर ज्यादा जोर पड़ रहा है और लग रहा है कि आपकी आंखें कमजोर हो रही हैं, तो आप सुबह सुबह जगने के बाद जो पहला लार होता है, सलाइवा होता है, उसको अपनी आंखों में लगा लीजिए अंजन की तरह से, जैसे काजल लगाते हैं, ठीक वैसे ही आप देखेंगे कि 2 महीने में आपकी आंखों पर बिल्कुल फर्क पड़ने लगेगा और आपकी आंखें स्वस्थ हो जाएंगी, आपकी दृष्टि बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। बहुत बेस्ट तरीका है, आजमा करके देखिएगा, आपको 100% लाभ मिलेगा। ड्राई आई सिंड्रोम में भी ये बेहतर तरीके से कार्य करता है, आपकी आंखें ड्राई नहीं होंगी, नमी आंखों की बनी रहेगी और पलकों को झपकाते रहना चाहिए आंखों को और बेहतर रखने के लिए। ये कैंसर जैसी बीमारी को दूर करती है, कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी को दूर करने के लिए सलाइवा बेस्ट है। अब जानते हैं कि सुबह सुबह गुनगुना पानी क्यों पीना है हमें। अगर आप सुबह सुबह जगने के बाद 3 से 4 गिलास गुनगुने पानी का सेवन करेंगे तो आपके शरीर में पसीना आएगा, जी हाँ, और ये पसीना शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके रोम छिद्र खुल जाते हैं और आपका शरीर स्वस्थ रहता है, अनेक बीमारियां दूर होती हैं, आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। खास करके किडनी स्टोन का नाम आपने सुना होगा, पथरी का, वो समस्या आपको जिंदगी में कभी नहीं होगी। अगर सुबह सुबह गर्म पानी आप पीते हैं 3 से 4 गिलास, आपको जिंदगी में कभी भी स्टोन की समस्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो हमारे शरीर में विषैले पदार्थ होते हैं खाना खाने के बाद, जो उसका अपशिष्ट होता है वो रह जाता है, जो मल के द्वारा बाहर नहीं निकल पाता है वो जमने लग जाता है और वहीं पथरी का रूप ले लेता है शरीर में। लेकिन जब आप गुनगुने पानी का सेवन करते हैं तो सारा यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाता है, जितनी गंदगी होती है शरीर की, जितना कचरा होता है शरीर का, सब बाहर निकल जाता है और इस वजह से आपकी बॉडी हल्की हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, यानी कि कब्जियत है, अगर आंतों में खाना चिपक रहा है, कुछ मैदे का खा लिया है आपने, ऑयली खा लिया है और आपकी किडनी साफ नहीं हो रही है, आपका आंत साफ नहीं हो रहा है, तो बेस्ट तरीका है, अगर अतड़ियों को साफ करना है तो थोड़ा सा उसमें नींबू निचोड़ लीजिएगा और बेस्ट तरीके से आपके आंतें साफ हो जाएंगे, अगर ऑयली का आपको चांस है और पेट आपका साफ नहीं हो रहा है तो बेस्ट तरीका है। इसके अलावा आपका ब्लड प्रेशर इससे कंट्रोल में रहता है, जी हाँ, बीपी को कंट्रोल करने के लिए बेस्ट तरीका है कि सुबह सुबह गुनगुने पानी का सेवन कीजिए। और आप जानते हैं जब आपकी बीपी कंट्रोल में रहेगी तो आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा, हार्ट आपका सुरक्षित रहेगा, आपके हार्ट की बीमारी से बचने में मदद मिल जाएगी, आपका ब्लड साफ रहेगा और आपके ब्लड का प्रवाह शरीर में सही रहेगा। जब आप गुनगुना पानी पीते हैं तो शरीर में पसीना आता है और आपके ब्लड का सर्कुलेशन बॉडी में सही से एक बार हो जाता है, जिसकी वजह से पूरी बॉडी में सही से ब्लड दौड़ जाता है और आपकी नसें भी क्लीन हो जाती हैं। तो इसलिए भी सुबह सुबह गुनगुने पानी का सेवन जरूर कीजिए, इससे आपका नर्वस सिस्टम भी कंट्रोल होता है, आपके माइंड को रिलैक्सनेस मिलती है, आपका पाचन तंत्र इससे सुदृढ़ होता है, स्ट्रांग बनता है, आपके पाचन तंत्र को मजबूती मिलती है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा जिस दिन आप कमरे की सफाई करते होंगे या घर की सफाई करते होंगे या गाड़ी की सफाई करते होंगे आपको अलग ही खुशी होती है, वैसे ही आपके शरीर को खुशी महसूस होने लगेगी। जो लोग गुनगुना पानी पीते हैं आप कमेंट करके जरूर हमें बताइए कि आपको कितना लाभ होता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं रोज पीता हूं, मुझे बहुत पसंद भी है सुबह सुबह गुनगुना पानी पीना, बहुत फायदा होता है, आप जरूर आजमा करके देखिए और क्या फायदा होता है। अगर सुबह सुबह गुनगुने पानी का सेवन करते हैं
तो पिंपल्स की समस्या फेस पर नहीं रहेगी, फेस पर शाइनिंग आ जाएगी, चमक आ जाएगी। लेकिन होता क्या है, हम सभी डॉक्टर्स जो बीपी की जैसे कि दवाई देंगे या फिर पिंपल्स दूर करने के लिए दवाई देंगे, क्रीम देंगे, उस पर हमारा ट्रस्ट जल्दी बन जाता है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है साइंटिफिक है। इतने सारे विज्ञापन हम सभी देखते हैं, एड देखते हैं, कि हमें लगता है कि नहीं बेस्ट है ये। लेकिन आप कभी भी ध्यान रखिए कि जैसे बीपी की दवाई जब डॉक्टर देते हैं तो आपको कहते हैं निरंतर खाना है, रोज खाना है। आप देखिएगा क्यों रोज खाना है, क्यों नहीं जड़ से समाप्त हो सकती है? आपने एक बार खाया उस समय कम हो गया, फिर वापस आपको खाना ही पड़ेगा अगले दिन। तो इस प्रकार से आपके शरीर को वो पूरा लाभ नहीं दे पाता है, और सबसे बड़ी समस्या ये देता है कि उसका साइड इफेक्ट भी हमारी बॉडी पर पड़ता है। लेकिन डॉक्टर अगर आपको ये बात बता देंगे कि आप गुनगुना पानी का सेवन कीजिए, इससे आपके हाई बीपी की समस्या कंट्रोल हो जाएगी, तो क्या आपने कभी सोचा है कि आप जाएंगे उनके पास? नहीं जाएंगे। तो इस वजह से वो गोलियां देते हैं, आपको जाना पड़ेगा, आपको फी भी देना पड़ेगा, दवाओं का पैसा भी देना पड़ेगा, आपको ट्रस्ट भी होता है। लेकिन ट्रस्ट कीजिए एक बार और गुनगुने पानी का सेवन स्टार्ट कीजिए। साथ में अगर आपको हाई बीपी की समस्या है तो आप शिव जी को चढ़ाते हैं बेलपत्र। जी हाँ, देखा होगा आपने बेलपत्र। आप एक महीने तक लगातार सुबह सुबह बेलपत्र का सेवन कर लीजिए बिना ब्रश किए हुए। ध्यान रखिएगा सुबह जगने के बाद बासी मुंह, आपको खाली मुंह क्या करना है, बेलपत्र का सेवन करना है। 2 से 3 बेलपत्र को आप चबा चबा करके सुबह सुबह सेवन कर लीजिए। आप देखेंगे कि आपके बीपी की समस्या जड़ से समाप्त हो जाएगी, बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएगी बीपी आपके, और इसमें पैसा भी नहीं लगेगा। लेकिन हम सभी क्या करते हैं, दवा आसानी से नीचे जाएंगे, दुकान से मिल जाएगी, आपको पास में मिल जाएगी, लेकिन आपको बेलपत्र के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा आसपास, देखना पड़ेगा कहाँ बेल है, लाना पड़ेगा। लेकिन ट्रस्ट कीजिए, इससे बॉडी को आपको बहुत फायदा मिलेगा। एक बार आयुर्वेदिक चीजों को आजमा करके देखिए। पहले आप देखते थे, पहले जमाने के लोग जो स्वस्थ रहते थे, हट्टे कट्टे रहते थे, वो इसी वजह से रहते थे क्योंकि वो नेचुरल चीजों को, प्राकृतिक चीजों को तवज्जो देते थे और उसका इस्तेमाल करते थे। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आज की चीजें जो है बेकार हैं, लेकिन हर चीज के लिए आपको कुछ चीजें विज्ञापन दे दे करके बढ़ावा दी जाती हैं जो कि इतनी अच्छी नहीं होती हैं, उनको समझना बहुत जरूरी है। कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जब सर्जरी कराना बहुत जरूरी हो जाता है, तो वहां पर जरूरी है कि हमें एलोपैथ का सहारा लेना चाहिए। लेकिन ये जो नेचुरल प्रोसेस है बॉडी को हीलिंग करने का, साफ करने का तरीका, पिंपल्स को दूर करने का, इसके लिए बहुत जरूरी नहीं है कि हम इन चीजों पर डिपेंडेंट हो। जैसे शरीर पर छोटा घाव हो गया, हम लोग आज क्या करते हैं, तुरंत जाकर के ऑपरेशन कराएंगे, ये दवा वो दवा लेने लग जाते हैं, परेशान हो जाते हैं फी दे करके भी और शरीर से भी। लेकिन पहले के लोग क्या करते थे, साफ ही पी लिया करते थे साल में एक बार, या नीम से ब्रश किया करते थे, या नीम की पत्तियों को उबाल करके पी लेते थे, घाव हो गया नीम की पत्तियां चढ़ा देते थे, वो न फैलेगा और ना ही आपका घाव ज्यादा दिन टिकेगा, वो जड़ से समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल गुण मौजूद होते हैं जो कि घाव को जल्दी भरने में भी मदद करते हैं और किसी प्रकार का इन्फेक्शन भी नहीं होने देते हैं। आपने देखा होगा, आप बुजुर्गों से पूछिएगा तो वो नीम की पत्तियां ही चढ़ाया करते थे। तो अभी भी क्या करना चाहिए हमें, नीम की पत्तियों को उबाल करके आप घर में रख लीजिए, आप नहाने के पानी में 2 बूंद उसको डाल दीजिए, आप 10 ml की मात्रा में डाल दीजिए पानी में, इसके बाद स्नान कर लीजिए, आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा रहेगा, फंगल बैक्टीरिया से आपका शरीर बचा रहेगा। किसी भी प्रकार का आपको खुजली वगैरह की समस्या है तो खास करके इसको अपनाइए। अगर आपके शरीर पर फंगल इन्फेक्शन है तो ये तरीका अपनाइए, वो फैलेगा नहीं, बेस्ट तरीका है, इस प्रकार से आप लाभ प्राप्त कर सकेंगे। और गुनगुने पानी का सेवन क्यों करना है, और भी कुछ तरीके हैं जो जानना बहुत जरूरी है। एक तो सुबह सुबह खाली पेट करना है, इसके बाद आप कभी भी कर सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन सुबह खाली पेट जरूर करना है आपको। क्यों? क्योंकि इससे मोटापा जैसी बीमारी जड़ से समाप्त हो जाती है। जी हाँ, आप देखेंगे कि आपके शरीर का मोटापा 1 महीने में लगभग 5 किलो कम हो जाएगा सिर्फ गुनगुने पानी का सेवन स्टार्ट कर देंगे तो। जी हाँ, बिल्कुल आप शर्तियाँ लिख लीजिए कि होगा, और आपको खाने में भी किसी भी प्रकार के बर्ताव की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी प्रकार के चीज को छोड़ने की आवश्यकता नहीं, अगर छोड़ दें तो वेल एंड गुड है। आप अगर देखते हैं ये किसी भी प्रकार का पेय पदार्थ जैसे कि सोडा वगैरह हो गया, आप ऐड देखते रहते हैं ठंडा, मतलब .. नाम नहीं ले सकते, लेकिन इन चीजों का प्रयोग करना बंद कर दीजिए। किसी भी प्रकार के फ्रिज के पानी का, ठंडे पानी का सेवन बंद कर दीजिए, आप ठंडी चीजों का सेवन बंद कर दीजिए। ठंडी चीजों से कहने का हमारा मतलब यह है कि ठंडे पेय पदार्थ जो मार्केट में बिकते हैं उनको पीना बंद कर दीजिए, खास करके फ्रिज में रखी हुई चीजों को तो बिल्कुल इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए, नहीं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहने की जगह पर और बीमार रहने लगेगा। ये बेस्ट तरीका है शरीर को ठीक रहना है तो गुनगुने पानी का सेवन कीजिए, आपके शरीर का मोटापा 5 kg तक 1 महीने में कम हो जाएगा। जो हमेशा पियेंगे वो हमेशा फिट रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे,
सर्दी जुकाम की समस्या नहीं होगी, साइनस की समस्या नहीं होगी, शरीर से विषाक्त पदार्थ हैं वो दूर हो जाएंगे। इसके अलावा आपका ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाएगा, वजन कम हो जाएगा, हाइड्रेटेड रहेगी बॉडी, डिहाइड्रेशन की समस्या नहीं होगी, कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं होगी, नर्वस सिस्टम आपका बेस्ट रहेगा, पाचन तरीका सही तरीके से कार्य करेगा, साइनस सिर दर्द की समस्या से आपको निजात मिल जाएगी। तो इतने सारे जब फायदे हैं सिर्फ गुनगुने पानी के सेवन से, तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए, जरूर कीजिए। और आप में से जो लोग करते हैं कमेंट करके बताइए, साथ ही साथ आप ये भी कमेंट कीजिए कि आप और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, हमें बहुत खुशी होती है। और आप सभी जब वीडियो पर कमेंट नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, तो हमारा मनोबल भी थोड़ा डाउन होता है। तो प्लीज अप किए रखिए ताकि हम आपके लिए बेस्ट जानकारी लेकर के आते रहें। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, है ना, कुछ भी आपका लगता नहीं है लाइक शेयर और कमेंट करने में, बट हमें बहुत खुशी होती है। और आप चाहते हैं कि आपके भाई बंधु भी स्वस्थ रहें, उनका पैसा बचे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाए, तो आप जरूर वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ ताकि उनको भी इसका बेस्ट लाभ मिल सके। साथ ही साथ आपके मन में कोई डाउट रह गया हो, सवाल रह गया हो, तो लिख भेजिए कमेंट्स के माध्यम से, हम आपको शर्त या उसका रिप्लाई करेंगे, चाहे वीडियो के माध्यम से या कमेंट्स के माध्यम से। आप सभी हमारे साथ बने हुए हैं अंत तक, आपका ये प्यार हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है, हमें बहुत खुशी होता है। दिल से धन्यवाद आप सभी का कि वीडियो में आप सभी अंत तक बने रहे, ऐसे ही हमारा साथ देते रहिए और अपने आप को स्वस्थ रखते रहिए। फिलहाल आज की वीडियो रही, ऐसी ही नई जानकारी लेकर के नई वीडियो में जुड़ेंगे आप सभी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद, नमस्कार।